इन सभी को पकड़ के रगड़ के जेल भेजा जाए। नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। जाली नोट गैंग के सदस्य व गौ तस्कर को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर 30,000 के जाली नोट व 18 लाख किया बरामद। सपा नेता समेत इस गैंग के 10 लोगों को पुलिस पहले जेल भेज चुकी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोट गैंग के खिलाफ एक तरफ पुलिस सवालों के घेरे में है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें बुधवार को तड़के कुशीनगर में जाली नोट के गैंग के सदस्य व गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। वहीं पुलिस ने बताया कि इसमें जाली नोट गिरोह का फरार 11वें सदस्य को पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। आरोपी के पास से 30,000 के जाली नोट बदल कर जुटाए गए 10,000 रुपए, अवैध तमंचा, 2 खोखा व 4 जिंदा कारतूस और 1 बिना नंबर की बाइक भी बरामद की, सहित 3 प्रतिबंधित पशु तथा पशु वध के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं जाली नोटों के कारोबार के मुकदमे में वांछित चल रहे इस बदमाश पर एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। वहीं इस जाली नोट गैंग के खुलासे को लेकर कांग्रेसी नेता अजय लल्लू ने सवालिया निशान लगाया है। अब खबर विस्तार से बता दें, बुधवार को भोर में थाना चेवरही टंकुराज तरिया सुजान व थाना साइबर की संयुक्त टीम चेवरही थाना क्षेत्र में ग्राम चिंटोलिया में आम के बगीचे के पास मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल वाहन से जाली नोट मामले में फरार अभियुक्त आते दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन पर सवार बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसकी पहचान मुस्तकीम पुत्र कलाम जो भुलिया अगरवा थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर का रहने वाला के रूप में है। बता दें, बीते 23 दिसंबर को पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 10 साथी अभियुक्तों को जेल भेज दिया था। पुलिस के अनुसार जिसमें थाना तमकुहराज में वांछित चल रहे अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र कलाम निवासी भुलिया अगरवा थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से जाली नोट 30,000 रुपया, उक्त अपराध से अर्जित भारतीय मुद्रा नगद 10,000 रुपया, 1 तमंचा नाजायज 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस नाजायज 315 बोर, 2 फायरशुदा कारतूस, बिहार बॉर्डर पर तस्करी के लिए बांधे गए 3 प्रतिबंधित पशु, 2 धारदार बांके, लकड़ी का ठोस थियार, रस्सी, कीपैड मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामदगी की गई। वहीं पुलिस के अनुसार अन्य मामलों की जांच की जा रही है। मुस्तकीम पर जिले के विभिन्न थानों में पहले से गंभीर 7 मुकदमे भी दर्ज हैं। इनमें सर्वाधिक पशु तस्करी और पशु वध से संबंधित है। वहीं बरामदगी और गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त टीम को एसपी ने पुरस्कृत भी किया है। एसपी कुशीनगर ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। नगर में जाली नोटों के गैंग जो बस किया था, इसमें 10 तो पहले ही चले गए थे। आज पुलिस मुठभेड़ में इसमें वांटेड 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश मुस्तकीम पुत्र कलाम, इसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। मुस्तकीम एक शातिर बदमाश है, जिसके ऊपर पूर्व के भी 7 मुकदमे दर्ज हैं और इस गैंग का एक इम्पोर्टेंट सदस्य था, जो कि ये जाली नोट है इनको खपाने का भी काम करता था। ये एक शातिर गौ तस्कर भी है, जो कि गौ तस्करी करके गौवध करने का भी कार्य करता था, एवं साथ ही साथ गौ तस्करी करके बिहार राज्य में जो गाय है उनको लेके जाता था। इसकी गिरफ्तारी पर, इसकी निशानदेही पर इसके पास से 30,000 जाली नोट वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ इसके पास से इसकी निशानदेही पर जो गौवंश है वो भी बरामद किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक इसका अन्य भी साथी था, जो कि फरार हो गया, अभी वांछित है। और ये एक 25,000 रुपए का शातिर बदमाश था और ये जाली नोटों के गैंग से ये ताल्लुक रखता है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। साथ ही साथ इस जाली नोटों के गैंग के जो अन्य सदस्य है, जो अभी वांटेड है, उनपे भी हमारी टीम कर काम कर रही है। उन सभी की गिरफ्तारी कराते हुए इन पे गैंगस्टर हत्यादी की भी कार्रवाई कराई। आपको बता दें, कुशीनगर पुलिस जाली नोट कारोबार का भंडाफोड़ करने के बाद चर्चा में आ गई। खुलासे से संबंधित 2 वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेसी नेता अजय लल्लू ने कहा, जिनको पुलिस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खुलासे के दौरान पुलिस व्हील चेयर
पर परेड करा रही है, उनके पैरों पर प्लास्टर लगा है और कराते हुए आगे गुनाह न करने की दुहाई दे रहा है। वहीं दूसरी वीडियो में पेशी के बाद जिला कारागार में जाते का बताया जा रहा है, जिसमें जाली नोट गैंग के सभी सदस्य अपने पैरों पर चलकर जाते दिख रहे हैं। वहीं खुलासे से संबंधित दो वीडियो वायरल होने के बाद कुशीनगर एसपी ने एक वीडियो जारी करते हुए इन सभी खबरों को भ्रामक प्रचार बताते हुए आरोपियों के साथ इनके कनेक्शन होने की भी बात कही है। वहीं एसपी कुशीनगर ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा, देखिए कुशीनगर से सत्येंद्र पांडे के साथ आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। जाली नोटों के गैंग को जनपद कुशीनगर में बस्ट करते हुए 10 प्लस आज एक पुलिस मुठभेड़ में टोटल 11 गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक तथ्यों एवं वीडियो के माध्यम से जो है गलतफहमी फैलाने का प्रयास किया गया है। जबकि तथ्य ये है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में इसमें जो शामिल एक अभियुक्त जो शातिर अभियुक्त औरंगजेब जिसपे 9 मुकदमे हैं, जिसमें गैंग रेप से भी मुकदमे हैं, उसके साथ में फोटो है और उसके साथ में कनेक्शन निकल कर आया है। हमारी टीम के द्वारा ऐसे लोगों को भी नोटिस भेज के उनका बयान दर्ज किया जाएगा कि इसमें जो ये फोटोज वगैरह हैं इसमें किस तरीके के कनेक्शन है और प्योरली मेरिट के आधार पर कार्रवाई करवाई जाएगी। ये भी जो भी कार्रवाई है ये प्योरली मेरिट के आधार पर इनकी सूचना पर करवाई गई है और इसमें सम्मिलित सभी अभियुक्तों के ऊपर पूर्व के भी कई मुकदमे दर्ज है और ऐसे सभी क्रिमिनल को अकाउंट फॉर के कर करके गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जो भी आपकी खबरें हैं उनको वेरीफाई कर ले पहले और जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसको वेरीफाई कर ले कि ये शातिर गैंग शातिर बदमाश जिनपे पूर्व के भी कई कई मुकदमे इसमें दर्ज हो रखे हैं और इसमें जितने भी व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जाएगी उन सब पर भी कार्रवाई। आइए एक बार फिर रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की ओर, जहां पर अनियंत्रित होकर मैजिक पलटने से पासी नदी से स्नान कर लौट रही थी घर 15 महिलाओं को गंभीर चोट आने का मामला सामने आया है। अब खबर विस्तार से बता दे, बिशुनपुरा थाना क्षेत्र में शाम को बासी नदी के शिवा घाट पर एक हादसा हो गया, जहां पर ड्यूटी अपर पर सभी नदी से स्नान कर वापस आ रही 35 महिलाओं से भरी मैजिक गौरी श्री राम धोबी टोला के पास अनियंत्रित होकर पलटने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मैजिक में सवार 35 महिलाएं घायल हो गयी, जिसमे की 15 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी है। आसपास के लोगों द्वारा सभी घायलों को दुधई CHC में भर्ती कराया गया, जहां से सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। देखिए कुशीनगर से सतन पांडे की एक खास रिपोर्ट।